व्यूअर्स कैसे हैं सब, उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे एक प्यारा सा बैकग्राउंड और उसके लिए मैंने यूज़ किया है 16x16 इंचेस का कैनवास और मैंने इसको ब्लैक कर लिया है एक्रेलिक कलर से। अब हम इसके ऊपर एक डिज़ाइन बनाएंगे और उसके लिए मैं यूज़ करूँगी वाइट एक्रेलिक और ब्लैक और ये फ्लैट ब्रश ये वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो हो गया, अब हम इस पर एब्स्ट्रैक्ट आर्ट करने लगे हैं। ठीक है, उसके लिए अब हमने सिर्फ करना ये है कि मैं करती हूँ फिर आपको बताती हूँ साथ साथ। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख रही हूँ अलिफ और वाव, फिर आइन और फिर हे। अच्छा, आप लोग जो मर्ज़ी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कर रहे हैं तो इसलिए हम आयत नहीं कोई लिख रहे। इसका मतलब है कि हम कोई भी अल्फ़ाबेट्स के, अरबी के कोई भी अल्फ़ाबेट जोड़ जोड़ के लिख रहे हैं, जहाँ जहाँ पे जगह के हिसाब से कोई भी अल्फ़ाबेट्स लिख रहे हैं। फे लिख रहे हैं, हे लिख रहे हैं, वाओ लिख रहे हैं, हमज़ा लिख रहे हैं, हा लिख रहे हैं, काफ वाओ लिख रहे हैं, अलिफ लिख रहे हैं, आइन लिख रहे हैं। कुछ भी हम लोगों ने जगह के हिसाब से जो सूट कर रहा है वो अल्फ़ाबेट्स लिख देने हैं, और जितना हम इसको तंग करके लिखेंगे ये उतना खूबसूरत लगेगा। और जहाँ पे कोई भी वर्ड नहीं लिखा जा रहा, थोड़ी जगह वहाँ पे हमने डॉट्स लगा दिए, ज़बर लगा दी, ज़ेर लगा दी, मतलब जगह कवर करनी है हम लोगों ने सिर्फ। मैंने एक ग्रे कलर बना लिया और उसके अलावा मैंने वाइट और ब्लैक कलर अलग अलग भी रखा हुआ है। मैं ब्रश पे ज़रूरत के हिसाब से कहीं पे थोड़ा वाइट ज़्यादा ऐड कर रही हूँ, कहीं पे थोड़ा ब्लैक ऐड कर रही हूँ, ताकि सेम कलर ना आए, थोड़ा सा ब्लैक कहीं से लगे, थोड़ा सा कहीं से डार्क लगे, इस तरह वो ज़्यादा प्यारा लगेगा। मैं इसी तरह सारे अल्फ़ाबेट जो जो मेरे माइंड में आ रहे थे वो मैं लिखती जा रही हूँ, और पूरे कैनवास पे इसी तरह मैं सबको लिख लूँगी। और जब ये पूरा कैनवास भर जाएगा तो फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर कैलीग्राफी करूँगी इंशाल्लाह। अब जो उनसा एरिया रह गया वहाँ पे हम डॉट्स या ये इस तरह बना के उसको कवर कर देंगे। और जैसे कि अब हमने, जैसे यहाँ पे एरिया खाली है, ठीक है, अब हमने ये बनाना है तो हम ब्रश पे थोड़ा ज़्यादा वाइट लगा लेंगे। इस शेड इसके ऊपर बनाना है तो हम इसके ऊपर बनाने के लिए इस कलर से थोड़ा सा लाइट कलर यूज़ कर लेंगे, ताकि हमारा ये इसके ऊपर पता चले कि इसके ऊपर लिखा गया है। अगर हम सेम कलर यूज़ करेंगे तो वो इसके ऊपर नहीं लगेगा, वो मैच हो जाएगा इसके अंदर ही। ये देखें, अभी देखिए मैंने लिखा तो है इसके ऊपर, लेकिन ये इतना सही प्रोमिनेंट नहीं हो रहा। अगर मैं इसमें थोड़ा सा वाइट कलर ऐड ज़्यादा कर लेती हूँ तो ये देखें सही, अब सही लग रहा है। तो ये मेरा बैकग्राउंड रेडी हो गया है और ये देखें आप किस तरह का लग रहा है। और ये कि आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है कि मैं इस पर कौन सी आयत लिखूँ, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में वही आयत लिख के इसको कम्प्लीट करूँ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके ऊपर कैलीग्राफी भी करूँगी।